एसएडी ने 15 और 3 पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर यहां पर ये कामयाबी मिलती है बीजेपी प्लस को तो कम से कम विधानसभा के मुकाबले उनके लिए अच्छी खबर। देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे के सामने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती है। 3 से 5 में कितने लोगों की साख जुड़ी हुई है वो समझ रही है। अब इनमें 3 से 5 हम आपको कल सिलसिलेवार सीट दर सीट बताएंगे कि कौन जीत रहा है किस सीट पर। तो ये 3 से 5 का आंकड़ा, उसमें पूरे के पूरे महारथी सवा नहीं रहे बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के, चाहे बादल सो या फिर गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी का जो सुपरस्टार कैंडिडेट है, 2.5 किलो का हाथ है वो हो, या फिर उनके कुल सिर्फ 3 सीटें हैं बीजेपी के पास जिस पर वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो इस बार किसकी साख यहाँ पर दांव पे लगी है वो तो सबको पता है, लेकिन 3 से 5 के दायरे में वो पूरी की पूरी साख समा नहीं रही है। गठबंधन के पास जो एनडीए का गठबंधन है, 6 सीटें थी पंजाब में, 4 आम आदमी पार्टी के खाते में थी और 3 सीटों पर कांग्रेस काबिज थी पंजाब की। और इस बार अगर ये स्थिति जिसमें अकाली दल की 4 और बीजेपी की 2 सीटें थी, 6 गठबंधन इसीलिए, और आज की स्थिति ये है कि अमरिंदर सिंह का जादू पंजाब में काम कर रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी का जादू पंजाब में अमरिंदर सिंह के आगे कम से कम ऐसा लगता है। राहुल गांधी कहेंगे उनका जादू चल रहा है, यही तो वहां पर गोल है। लेकिन अमरिंदर सिंह ने तो ये कह दिया था कि अगर हम लोग कांग्रेस अच्छा नहीं करती है तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा, रिजाइन कर जाऊंगा चीफ मिनिस्टर के पद से। तो मुझे लगता है कि अगर ये आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ा नुकसान यहाँ आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पंजाब से भी झटका लगता हुआ। आशुतोष जी का कमेंट दे देते हैं। आशुतोष जी हाँ बोलिए। मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के साथ जो कुछ भी गड़बड़ था या जो कुछ भी गड़बड़ हुआ, पंजाब उसका रिफ्लेक्शन है। पंजाब में वो अपने ग्राउंड को कभी रिट्रीव कर नहीं पाए। और मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूँ क्योंकि जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जो लोग भी पंजाब कवर करने गए वो कह रहे थे यार बंपर बहुमत से इनकी सरकार बनने वाली है, और अंत में रोक रहे हो सर आपको हरियाणा का आंकड़ा आ गया।